बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो प्री नाइन्थ क्लास या नाइन्थ क्लास दोनों के लिए है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है ये एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ये मैट्रिसेस के बारे में सबसे पहले जो है बात की थी आर्थर कैले ने 1858 में। उसने एक, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था, तो इसने एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, और उसमें इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस बेसिकली क्या होते हैं, ये एक नंबर्स की अरेंजमेंट होती है, एरे ऑफ नंबर्स जिसे हम, या नंबर्स की एक फॉर्मेशन है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हम नंबर्स को लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके अंदर मैंने नंबर लिख दिए 1, 2, 3, 4। ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट में मैंने नंबर लिखे हैं। इसी तरह से हम और भी लिख सकते हैं 1, 2, ये भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप इस तरह से नंबर भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में जो है वो हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। शर्त ये है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होना चाहिए और नंबर्स में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो। अरेंजमेंट से मुराद अब ये देखें, यहाँ भी मैंने 3 नंबर लिखे हैं, तो इधर भी मैंने 3 लिखना है, इधर भी 3 लिखे हैं, ऐसे 3 है, फिर इधर भी 3, इधर भी 3। कभी भी हम मैट्रिक्स को ऐसे नहीं लिख सकते। आप अगर इधर कुछ ना लिखें, आप ऐसे मैट्रिक्स नहीं लिख सकते। अब इसमें ये जो है मिसिंग पॉइंट आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं आपने लिखा, तो ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। नंबर्स की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर लिख दें, इस तरह से ये भी मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये सारी जो है वो मैट्रिसेस की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब ये जो मैट्रिसेस होते हैं इनके अंदर हमने जो अरेंजमेंट नंबर्स की लगाई है वो दो तरह की है। एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इस तरह से, जिनको हम कहते हैं रोज। ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसी तरह से एक वर्टिकल अरेंजमेंट है इनमें, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं कॉलम्स। ये कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। तो फिर हमें क्या पता चला कि मैट्रिसेस को जब भी आपने लिखना है तो आपने उसको, उसमें जो नंबर्स लिखने हैं वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रोज कहते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम्स कहते हैं। एक और बात कि मैट्रिसेस के हम नाम भी रखते हैं। इनके नाम कैसे रखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स हैं वो मैट्रिसेस के आमतौर पर नाम रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मैट्रिक्स का नाम मैं ए रख देता हूँ, ये बी है, इसी तरह ये सी है, इसको हम डी कह लेते हैं, इसको ई कह लेते हैं। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, आमतौर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है वो रखे जाते हैं इनके नाम्स। अच्छा, अब मैट्रिसेस का तो हमें पता चल गया कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। एक टर्म होती है मैट्रिसेस के हवाले से जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमने देखना होता है मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, उस बेस पे हम बता सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एम बाई एन। इसमें m क्या होता है, m मीन्स, हेयर m इज
नंबर ऑफ रोज। मैट्रिक्स में जो रोज हैं उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल हम ये मैट्रिक्स b लेते हैं, ये वाला। इस मैट्रिक्स का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दो हैं, एक ये और एक ये, दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं। इसका मतलब कि m जो है इसमें है 2 और n नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरह से वर्टिकल अरेंजमेंट्स देखें तो ये 3 हैं, दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट्स इसमें 3 हैं, यानी कि कॉलम्स जो है वो इसमें 3 हैं, n की वैल्यू है 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी फॉर्मूला है m बाई n, तो ऑर्डर लिखा जाएगा 2/3। इस तरह से हम b का ऑर्डर बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इस a को देखें तो a का ऑर्डर क्या होगा, a में देखें हॉरिजेंटल अरेंजमेंट एक ही है, मतलब रोज, नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स, दो कॉलम्स हैं इसमें, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। इसी तरह से C वाला अगर हम देखते हैं तो C वाले का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, इसमें देखें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका हम ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, 3/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C 3/3। और ये जो मैंने D लिखा हुआ है, D का ऑर्डर क्या लिखा जाएगा, 1/1, क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम। इसी तरह से इसका भी होगा 1/1। इस तरह से हम मैट्रिसेस का ऑर्डर बता सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बुक में, उसमें हमने ऑर्डर एक्सरसाइज 1.1 में, 1.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से आपने कर लेना है एग्जांपल के तौर पे। इसमें से भी मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, देखें ई पार्ट, देखें ई में हमारे पास वैल्यू है ए बी सी डी ई एंड एफ। इसका ऑर्डर हमने लिखना है, पहले इसमें नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, एम की वैल्यू 1, 2, 3, 3 रोज हैं, एम 3 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एम बाई एन, ये आ जाएगा 3/2। इस तरह से हमें ऑर्डर का पता चल गया। बाकी भी जो क्वेश्चंस हैं इनमें भी आप इसी तरह से ऑर्डर बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका बाकी रह जाए, कोई कन्फ्यूजन रह जाए, तो वो आप मुझसे कमेंट में या मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।